सर को फूकर एक सेक्शन था पता नहीं क्यों, मतलब ये राखी सीजन में, राखी सीजन में 50% ऑफ वाला सेक्शन ठीक हो। हे गाइस गेम शो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हे गाइस गेम शो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और श्री ने ये बैग लिया है, उसे पता नहीं क्यों ये बैग बहुत पसंद आ गया था। आप देख ही सकते हैं उसका बैग का प्यार। श्री बैग खोलो। शी इज टू एक्साइटेड। जाते हैं तो उसका पहला परचेज टिक टैक रहता है जो हमारी पूरी शॉपिंग खत्म होने तक चलता है। खोलो और फर्स्ट ये हमने सिपर लिया था और सेम ऐसा हमने येलो कलर में भी लिया है और ये था सिर्फ 49 का। उसमें एक और कलर अवेलेबल है ब्लू। नेक्स्ट इज दिस क्यूट ईयर्स वाली हेयर बैंड जो मैं अब उसके साथ फेस पैक वाले वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये हम दोनों के लिए काम आएगा। यहाँ पे सारा पसारा हो गया है सिर्फ 29 के टू। नेक्स्ट है दो फुटवेयर, एक है शूज और एक है सैंडल। लेने का रीजन है क्योंकि मैंने अभी अभी मीशो से दो शूज ऑर्डर किए हैं, एक मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए ब्लैक कलर में। हमारे साथ ट्विनिंग करने के लिए हमने श्री के लिए ऐसे लिए हैं। थोड़ा सा मैची है, थोड़ा सा नॉट मैची है, बट चल जाएगा। पहले भी पिंक कलर के लिए थे डी मार्ट से, वो अब श्री को हो नहीं रहे हैं, सो दैट्स व्हाई थिंग। मैंने सोचा कि श्री के पास रेड कलर के नहीं है तो मुझे रेड कलर उसके लिए लेने थे। और इसकी खास बात है ये है लाइट वाले। नेक्स्ट है ये क्यूट सी सिल्वर कलर की ग्लिटरी ग्लिटरी हेयर क्लिप्स। श्री का टकलू हो गया है तो मैं हेयर एक्सेसरीज बहुत कम लेती हूँ। कभी कभी ऐसा लालच हो जाता है कि क्या पता फिर बाद में मिले ना मिले, पर हमारी खेती तो उगने ही वाली है। कभी श्री की ये इकलौती चीज है, एक ब्लैक कलर का छुटकू सा बैग। दो कंपार्टमेंट बने हुए हैं यहाँ पे, ऐसे है क्यूट लिटल पॉम पॉम्स ब्लैक एंड पिंक कलर का, और इसमें भी ऐसे पिंक कलर के डॉट्स बने हुए हैं। यहाँ पे है एक कंपार्टमेंट जो काफी बड़ा है, मैंने सोचा कि ये मेरे इंस्टेक्स के लिए भी सही रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है बबल स्टिक। मैंने बहुत देखा है बच्चों को ये बबल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, दैट्स व्हाई दिस। और ये था सिर्फ 39 का, और 39 का इतना बड़ा आई गेस, और जिंदगी में क्या चाहिए। तो शुरू करते हैं अब हम हमारी शॉपिंग। और तू इस बार TBH हमने बहुत कम शॉपिंग करी है, सिर्फ 6000 की। दिस बाथ मैश ग्रीन पिंक ब्लू जैसे पर्पल जैसे कलर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ये क्यूट सा रेड कलर का कान्हा वाला टी शर्ट जो हमने श्री के लिए लिया है, क्योंकि अब हम श्री को लड़के के कपड़े हर टाइम पहनाते हैं, जब तक उसके बाल वापस ना आ जाए तब तक वो लड़का है वो, दैट्स व्हाई दिस। आपको बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे। हेलो श्री। नेक्स्ट है वन मोर क्यूट कान्हा प्रिंट वाला ब्लू कलर का टी शर्ट, इसमें ब्लैक लग रहा है बट ऐसा होता तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता। 6 to 12 मंथ्स के लिए ये एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का वॉश्ड टाई एंड डाई आई नो बट प्रिंट का एक ट्रैक जो मुझे बहुत ही पसंद आया था। और वहाँ पे एक सेक्शन था जहाँ पे बहुत सारे क्लोथ्स, कुछ किचन आइटम्स और बैग्स 50% ऑफ में मिल रहे थे, हमने
ढूंढ के हीरे थोड़े बहुत निकाले हैं। फर्स्ट इज दिस ब्लैक कलर का वेरी थिक मटेरियल वाला ट्रैक पैंट का मटेरियल मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और डिजाइन भी। ये मुझे मेरी साइज में नहीं मिला, एक्सेल साइज में था, तो फिर हमने मेरे हस्बैंड के लिए लिया। ये था 499 का एक्चुअल प्राइस और ये हमें 50% ऑफ में मिला है। नेक्स्ट है ये एक ब्लैक कलर का सुपर ब्यूटीफुल प्रिंट वाला प्लाजो, आई गेस इट्स ओके बेटा, और मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट इसकी डिजाइन और मेन इसकी प्राइस मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये था 399 का और ये भी आया है 50% ऑफ में। इसको सिंपल से ब्लैक कलर के सेक्सी टॉप के साथ अगर पेयर करेंगी तो ये सुपर सेक्सी लगने वाला है। मेरे पास ऐसा टॉप है नहीं, शायद तो ढूंढना पड़ेगा, या फिर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, या फिर मैं इसको लॉन्ग ब्लैक कुर्ते के साथ पेयर करूंगी। गोल्डन इयररिंग्स एंड यू आर गुड टू गो। एक केमो प्रिंट का स्वेटशर्ट जो मैंने ढूंढा अपने लिए था, क्योंकि इट्स ओवर साइज, तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही बैगी और कूल सा लगने वाला है। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो उन्होंने अपने लिए ही इसको सिलेक्ट कर लिया। मटीरियल एंड प्रिंट मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। 349 का 50% ऑफ में आया है। लास्ट जो हमने इस सेक्शन से लिया था वो है ये सिंपल सा ब्लैक कलर का सुपर सॉफ्ट मटेरियल वाला पैंट जो श्री के लिए है, 149 का। बहुत सारे अलग अलग डिजाइन वहाँ पे मिल गए बट मुझे ये प्लेन वाला ही पसंद आया। लास्ट क्लोथिंग आइटम जो है ये व्हाइट कलर का टी शर्ट जो मैंने सेम ऐसा पहना है, क्योंकि इस पे लिखा है आई वोक अप लाइक दिस। मेरे हस्बैंड ने बोला कि यस यू वोक अप लाइक दिस, क्योंकि मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं बहुत इरिटेटेड होती हूँ, मतलब किसी को मुझे ज्यादा बुलाना नहीं है, ज्यादा बात नहीं करनी है, दैट्स व्हाई दिस सुपर डुपर कॉम्फी। और ये था 199 का, ये है एक्सेल साइज और मेरा वाला है एल साइज। मैंने जान के एल साइज लिया है, वहाँ पे एम एंड एस दोनों अवेलेबल थे। नेक्स्ट है एक लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल का कॉम्बो आदि के लिए लिया है। आदि को छोटा भीम बहुत ही पसंद है, सो आई दिस। और भी कार्टून में आपको ऐसे ही कॉम्बोस अवेलेबल मिल जाएंगे। 175 में इट्स नॉट बैड। लास्ट है इस हॉल की और इस वीडियो की मेरी फेवरेट चीज जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे डीमार्ट में या अब इस जिंदगी में कभी मिलेगी, और ये है बूमर। और मैंने जब ये देखी तो मैं इतना खुश हो गई थी, लाइक वाओ। मेरी खुशी देखते हुए मेरे हस्बैंड ने पूरा का पूरा बॉक्स ही ले लिया। आई डोंट नो 20 या 25 या ऐसी कुछ है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। मैंने और भी वहाँ पे ढूंढी थी कि शायद कोई और मिले जो हम ब्लू वाली यूज किया करते थे, और 10 पर पीस एंड आई एम सो हैप्पी। रिसेंटली मुझे च्युइंगम का बहुत ही शौक चढ़ा है, तो मेरे मुंह में, मेरे हर बैग में और कार में, हर जगह में एक एक रख दिस एंड आई एम सो हैप्पी। और इसी के साथ होता है हमारा वीडियो और हमारी शॉपिंग का हॉल यहाँ पे खत्म। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कहीं मत जाना जाना, क्योंकि लौट के नहीं है आना। कौन गाड़ी है कुछ? से बाय। कौन गाड़ी? से बाय बाय। Love yourself, love your life, and don't forget to subscribe my channel.